आगामी 22 जान्युआरी नो दिवस भारत देश माटे दिवाळी ना तहेवार करता पण महत्वनो साबित थई जवा रह्यो छे। भगवान राम पोताना भव्य मंदिर मां बिराजमान थवा जई रह्या छे, जे उत्सव एकमात्र अयोध्या मां नहीं पण देश विदेश मां वसता भारतीय धार्मिक उत्सव नी शानदार उजवणी करी रह्या छे। पूज्यनगर अयोध्या खाते थी आवेला अक्षत अने निमंत्रण ने लई गामे गाम रामना नाद साथे उजवणी थई रही हती। આજે દાનેરા તાલુકાના રવિધામ ખાતે રવિધામના મહંત શ્રી સત્યાનંદ મહારાજ સાથે આખું ગામ પવિત્ર અક્ષતના કુંભને લઈ ગામની પરિભ્રમણ સાથે મંદિરોમાં પૂજન કરાયું હતું। રવિગામ જાણે આજે અયોધ્યામય બની ગયું હોય તેવી ભવ્ય ઉજવણી થઈ હતી। રથમાં બિરાજમાન રામ લક્ષ્મણ અને હનુમાનજી સાથે મહંત સત્યાનંદ મહારાજ અનેક કળશ સાથે ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજી હતી, જે શોભાયાત્રા રવિગામની શેરીએ શેરીએ ફરી હતી અને ગામના પવિત્ર મંદિર ખાતે અક્ષતના કળશ સાથે પૂજન કરાયું હતું। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त में पूरे भारत वर्ष में भगवान प्रभु श्री राम में वातावरण हो गया है। गुजरात की पावन भूमि पर बनासकांठा जिले के अंदर धानेरा तहसील में रवि गांव रवि धाम की धन्य धरा पर समस्त ग्रामवासी रवि धाम वालों ने और आस पड़ोस के लोगों ने सभी धर्म प्रेमी सती शेखों मढ़ारे आलम के लोगों ने आज भगवान प्रभु श्री राम का अक्षत कलश जो भारत भ्रमण के लिए और पूरे देश के अंदर गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी पहुंचा है उसके लिए सभी ग्रामवासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि के अक्षत कलश का खूब खूब स्वागत किया है। और ग्राम वालों ने मिलकर सती शेखों ने मिलकर गांव गांव कोई घर खाली नहीं रहा, पूरा गांव राममय हो गया है, पूरा राज्य और पूरा देश राममय हो गया है। मैं सभी से देशवासियों से आह्वान करता हूं कि ये 500 वर्षों के बाद में संभव हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था लेकिन आतताइयों ने दुष्टों ने मंदिर को ध्वस्त करके उस पर ढांचा खड़ा कर दिया और उसके बाद में उसको तोड़ते तोड़ते 500 वर्ष लग गए। मैं देश के नेतृत्व करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे सबके चहेते योगी राज ऐसे योगेश्वर आदित्यनाथ जी महाराज का भी मैं खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उनके कारण ये संभव हुआ है। आज रीते दानेरा तालुकाना कुमर गाम मां पण अक्षत कलश यात्राना वधामणा थया छे। ગામના દરેક આગેવાનો ભેગા થઈ ગામ હોય કે ખેતર દરેક ઘરે પહોંચી અક્ષત સાથે અયોધ્યા ખાતે ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું નિમંત્રણ પઠવાયું છે। કુમર ગામમાં જૂની પરંપરા પ્રમાણે અક્ષત કળશને વધાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે દીકરીઓ માથે સામૈયા સાથે અક્ષત કળશને વધાવી રહી છે। આમ કુમર ગામમાં આગામી 22 જાન્યુઆરી સુધી અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે। ભજન સત્સંગ સાથે રામ ભક્તિની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। હાથમાં ભગવા રંગ દજા અને મોઢે જય શ્રીરામનો જય જયકાર કુમર ગામમાં ખૂણે ખૂણે પ્રસરી ગયો છે।